हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो फ्रेंड, आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, इस वीडियो की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने आज ये वीडियो बना ही लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि पैरों से कपड़ों को धुल के दिखाइए। तो फिर मैं आज जो है ना, अपने घर की जो चादर वगैरह थी उनको साफ़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे ये रिक्वेस्ट आई है तो इसको पूरा कर देती हूँ। जिसमें आप लोग खुश हैं उसमें मेरी भी खुशी है, और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो में कोई भी कट नहीं किया है, पूरी लंबी सी वीडियो बनाई है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है ना कि लंबी वीडियो बनाएँ, तो आज मैं लंबी वीडियो बनाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो में कोई खासियत है, इसलिए मैं ना कट कर देती हूँ। तो आज मैं कोई भी पार्ट कट नहीं की हूँ, पूरा लंबी सी वीडियो बना दी हूँ। तो अभी पहले मैं अपने पैरों पर पायल पहन ले रही हूँ। जो मेरी चांदी की पायल है उसको मैं निकाल के रख दी थी, तो मैंने आज ये जो है आर्टिफिशियल पायल पहनी है। ये काफ़ी खूबसूरत सी पायल है, इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें ना जो बहुत ही हल्के हल्के से लगे होते हैं बंद करने के हुक, तो वो निकल गए हैं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है बंद करने में। बहुत ही हल्की सी पायल है, और ये मुझे ना, मैंने इसे मीशो से शायद मंगवाया था। बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छा है, इसका जो डिज़ाइन वगैरह है जो भी है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे पहन सकते हैं, पैरों पर काफ़ी अच्छी लगती है, और इसको पहनने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कि जैसे कि हम चांदी या सोने का सामान बाहर पहन के जाते हैं तो गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए आप इस तरह से आर्टिफिशियल सामान खरीद कर पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे से सामान मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपनी चादर के पास, जहाँ पर हम अपने चादर को भिगो कर रखे थे। इस पर हम थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालकर पानी डालेंगे, इसके बाद में हम इसको पैरों से धोकर साफ़ करेंगे। वैसे भी जो चादर वगैरह होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वज़न के हो जाते हैं, जब उसमें पानी भर जाता है तो फिर इसे हाथ से धोना बहुत ही मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से पैर से कुचल कर धो देते हैं तो ये बहुत ही जल्द साफ़ हो जाती है। थोड़ा कम मेहनत लगता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन नवरात्रि आ रही है तो अभी सारे कपड़े को धोना जो ज़रूरी है, क्योंकि हम साफ़ सफाई दीपावली में करते हैं और नवरात्रि में करते हैं। तो अभी मैं नवरात्रि से पहले सारे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, जिससे कि जब कोई भी अपना घर में पूजा पाठ होता है ना, तो घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है, इसलिए ना सारे कपड़े मैं धो के ही रखती हूँ। तो बस आज के लिए, आप लोग ये वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से हैं, हमारी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा जो है इंस्टाग्राम का आईडी नेम भी है, तो आप वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं आलता की वीडियो डालती हूँ, खूब अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनें बनाकर, और यहाँ आपको लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो और मेरे यहाँ जो है ना, कपड़ा धोने वाली मशीन है नहीं, मैं हाथ से ही हमेशा कपड़े धोती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी कि मैं कोई वॉशिंग मशीन ख़रीद लूँ, इसलिए मैंने कोशिश नहीं किया, तो मैं हाथ से काम चला लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने कपड़ा धोते हुए वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने ये वीडियो बना दिया है, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि हमारे 1K व्यूज़ तो आ ही जाएँ। जब व्यूज़ नहीं आते तब मन नहीं करता है कि हम आगे वीडियो बनाएं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप
पहुंचाएं हमारे वीडियो को, तभी मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आप सभी हमारी वीडियो को देखिए, और अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yeah.
surprise.